Hey, listen. What happened? I want to share something with you. Please stay with me. No, let me go. I'm getting late. Otherwise, I will be in a pickle. इसे तो ध्यान दीजिएगा. Pay attention on that. इन पिकल मतलब ट्रबल में होना, परेशानी में होना. पॉइंट बताएं, मतलब कोई ऐसा समय जहां से आपकी परेशानियां शुरू हो जाएंगी, मतलब अब इसके बाद भी परेशानी शुरू हो जाएगी, तो आई विल बी इन अ पिकल. मतलब पॉइंट बताएं, जिस पॉइंट से लेकर के आपको जो अब जो समय आएगा वहां से आपकी परेशानी शुरू होते जा रही है, अब परेशान होते रहोगे आप, तो अब इन अ पिकल. शी वॉज सेइंग आई एम गेटिंग लेट, लेट मी गो, अदरवाइज आई विल बी इन अ पिकल. अगर मैं लेट पहुंची घर पर तो घर पर कलेश हो जाएगा, कोई पूछे कहां से आ रही है, कहां जा रहे हैं, और अंधेरा हो जाएगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी मुझे. तो इसे इसे इस सिचुएशन बोलोगे आई विल बी इन अ पिकल. टू गेट इन ट्रबल व्हिच विल बी हैपनिंग ग्रेजुअली, जो होती रहेगी आप आगे आके. सपोज दैट आपके मार्केट में शॉपिंग करने के लिए, आप शॉपिंग करने के लिए, लेकिन आपका वॉलेट रहेगा घर पर, तो आप बोल सकते हो आई फॉरगॉट माई वॉलेट एट माई होम, नाउ आई विल बी इन अ पिकल. मतलब मैं परेशान हो गया, मतलब आई विल बी इन अ पिकल बिकॉज आई फॉरगॉट माई वॉलेट. अब मैं परेशान में रहूंगा क्योंकि मेरे वॉलेट घर पे, अब मैं शॉपिंग कर ली है, अब पूरी पता नहीं कैसे मेरा हिसाब किताब करूंगा, कैसे क्या ट्रांजेक्शन करूंगा. उसी तरीके से कहते हेलमेट नहीं था, आपने पुलिस वाले से कह दिया भाई चल कुछ नहीं, पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते हमारा. लेकिन पुलिस वाले से आप भिड़ जाते हो ना, क्योंकि उसको वर्दी की पावर होती है, अब उसे भिड़ गए. इफ यू आर्ग्यूड विद द पुलिसमैन इट मीन्स यू आर गोइंग टू बी इन अ पिकल. अब आपके लिए परेशानी खड़ी होना शुरू हो जाएगी क्योंकि आपने एक सरकारी कर्मचारी के साथ हाथापाई करने की कोशिश करी, आप उससे आर्ग्यू किया. इफ यू आर्ग्यूड बिकॉज यू आर्ग्यूड विद अ पुलिसमैन, तो इफ यू आर्ग्यू विद अ पुलिसमैन यू विल बी इन अ ट्रबल, यू विल बी इन अ पिकल. तो पिकल मतलब परेशानी में होना, आपके लिए परेशानी खड़ी होना शुरू हो जाना. फ्यूचर तक परेशानी रहती है तो बोल सकते हैं इन अ पिकल. इस तरह इस वर्ड का यूज कर सकते हो. यू ऑल्सो कैन कॉमेंट लो, जब से मैंने एक्सरसाइज छोड़ी है तब से मैं परेशानी में आ गया हूँ. यू कैन यूज दिस इडियम एंड यू कैन कॉमेंट लो. इंग्लिश इंग्लिश.